guys, welcome back to my channel. So let's begin with this makeup quickly. हम बिल्कुल भी इसमें time नहीं लगाएंगे. वैसे आप title और thumbnail से देख ही चुके होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं. So we are going to try Korean makeup on Indian skin or Indian face. So let's begin. बहुत ही challenging होगा ये क्योंकि उनकी beauty standards बहुत ज़्यादा high है और अलग ही type की है. But उनका एक अलग ही type का makeup होता है क्योंकि उनका जो face का structure होता है वो एकदम different है. Like they do not have double lids, जो हमारे ये यहाँ पे जो lids होता है वो उनके पास होता ही नहीं है. और most of the face जो होता है ना Koreans के, उनमें ऐसा होता है. इनफैक्ट दे डू सर्जरी फॉर गेटिंग द डबल लिड्स बैक. एंड प्लस यहाँ भी उनको ये जो चीज़ है एकदम फ्लैट सी होती है, जिसको एक साल बोलते हैं, वो फेकली क्रिएट करते हैं मेकअप के थ्रू. तो या ये सारी चीज़ें होती हैं. बहुत मिनिमल चीज़ें यूज़ करते हैं हम. बहुत ही परफेक्ट मेकअप लगता है उनका मुझे. तो वो हम ट्राई करने वाले हैं आज मेरे फेस पर. सो या लेट्स बिगिन. स्किन मेरा अच्छे से मुझे प्रेप करना होगा. मेरा फेस अच्छे से क्लीन है तो आई बी यूजिंग दिस फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर. लेट्स मॉइस्चराइज माय फेस फर्स्ट. आई होप ये मेकअप बहुत अच्छे से हो जाए. जैसा मैं सोच रही हूँ नहीं हुआ तो ट्राई तो कर ही रहे हैं. फिर 5-10 मिनट रुकते हैं ताकि मॉइस्चराइजर थोड़ा सा यू नो सिप इन हो जाए मेरे स्किन में. एंड देन वी विल स्टार्ट अवर एक्चुअल मेकअप. एज यू ऑल नो दे हैव अ ग्लास स्किन. तो फिर वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस इल्यूमिनेटिंग प्राइमर फ्रॉम मार्स. मुझे डार्क सर्कल्स है तो आई विल ट्राई टू हाइड देम फर्स्ट विद यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट. लाइटर कलर कंसीलर जो है वो मैं अप्लाई करूंगी. मैंने लगाया है ना, मैं उसे तुरंत सेट करूंगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर से. तो मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर. और क्योंकि ग्लास स्किन होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा उसमें हाइलाइटर मिलाकर फाउंडेशन में वो अप्लाई करूंगी फेस पर. तो लेट्स सी कैसे वर्क करता है ये. फाउंडेशन क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको सेट कर ले पाउडर से. अगेन सेम पाउडर आई बी यूजिंग. ब्रोज जो होती है उनकी एकदम स्ट्रेट सी होती है, बट मेरी थोड़ी सी आर्क है और कलर जो होता है उनका काफी लाइट रहता है, कुछ डार्क खास रहता नहीं है. तो इसीलिए मैं आज एक प्रोडक्ट यूज करूंगी जो कि है एल्फ का. ये बस मेरी आईब्रोज को सेट कर देगा और एक शेप दे देगा और उसको डार्क भी नहीं करेगा. तो इतनी लाइट आईब्रोज इज ओके. उनकी आंखें बहुत छोटी होती है तो उनका मेन फोकस होता है कि उनका जो आंख है वो बड़ा करें विद द हेल्प ऑफ दिस मेकअप. तो वो कोशिश करती हूँ मैं भी, कैसे करना है वो मुझे अभी तक पता नहीं है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. इट्स लिटरली डिफिकल्ट. सो लेट्स डू दैट. आई विल बी डूइंग दैट. ये वाला शेड मैं पिक करूंगी. पूरी आंख पे नहीं लगाना है, सिर्फ जैसे हम लाइनर लगाते हैं वैसे ही. और पेंट कलर पिक करूंगी अपने लिए फिंगर्स पे.
आईलिड्स के ऊपर लगाना है। अपर वाटर लाइन है ना, वहां पर आप काजल लगाएं, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत वॉटरी हो जाएगी मेरी आंख। पलकों के बड़े पास पास में ही लगाना है। कुछ इस तरीके से एक हल्की सी विंग निकालनी है। लैश लिप मस्कारा यूज करूंगी मैं। लास्ट थिंग आईज के ऊपर मेरे पास ये पेंसिल है जो कि क्रीम कलर और इसमें थोड़ा सा शाइन है, वो यूज करूंगी मैं। या दैट्स गुड। ओके मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। अब हम थोड़ा सा ना कॉन्टोरिंग करेंगे क्योंकि फेस मेरा थोड़ा सा स्लिक सा दिखे इसलिए। For that I'll be using a brush और from the same palette, Mars का ये palette use करेंगे और इसमें का जो light shade है contour का वो pick करूँगी बहुत हल्के से। Now from same palette हम use करेंगे blush। लिप कलर के लिए मैं दो शेड्स चूज किए हैं जो कि मार्स की हैं। एक रेड जो कि हम अंदर की तरफ लगाएंगे और एक है ये 02 लिप ग्लॉस लिखा हुआ है इसके ऊपर जो कि थोड़ा सा नियॉन पिंक टाइप में। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, लेट्स ट्राई। और एक चीज करनी बाकी है, ब्लेंडर से हमने ये किया था ना, ब्लेंड किया था पूरा फाउंडेशन, उसको हम लिप्स के ऊपर लगाने वाले हैं। कैसे हैं बताते हैं। ये हो गया आपका कोरियन मेकअप लुक डन। आई होप मैंने कुछ तो आसपास कर ही लिया होगा एंड आई एम फीलिंग क्यूट इन दिस लुक। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक और या मैं अच्छे से ब्यूटी शॉट्स ले लेती हूँ एंड देन